दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल। आपकी फेवरेट ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट कौन सी है? ए अमेज़न, बी फ्लिपकार्ट, सी स्नैपडील या डी मंत्रा? आपका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड बढ़ चुका है। मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आ चुकी हैं, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, जबोंग है, मिंत्रा.com में बहुत सारी ऐसे शॉपिंग वेबसाइट आ चुकी है जिसमें आपको ऑनलाइन परचेसिंग के सामान मिल जाएंगे। वेदर अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए, कोई मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कैमरा चाहिए, ब्लूटूथ हेडफोन चाहिए, स्पीकर्स वगैरह चाहिए, कुछ भी आपको वैसे कुछ सामान वगैरह चाहिए होता है, तो आराम से आपको कोई शॉप पर नहीं जाना पड़ता, बाहर दुकान वगैरह पर नहीं लाइनें लगानी पड़ती। आपके पास सीधा सा अगर कोई कार्ड है, आपका कार्ड पेमेंट है, या आपकी कोई UPI वगैरह है, या इवन आप आजकल तो कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी आप अमेज़न से कोई सामान वगैरह मंगाना है, फ्लिपकार्ट से मंगाना है, तो इजीली आप जो है कर सकते हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा बताऊंगा कि किस तरह से आप फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर कैसे आप अकाउंट बना सकते हो, अकाउंट बनाने के बाद कैसे आप रजिस्टर करके कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे मान लीजिए कोई आपको शर्ट मंगानी है, जीन्स मंगानी है, कुर्ते वगैरह मंगानी है, साड़ीज़ वगैरह मंगानी है, आपकी कोई सिस्टर वगैरह है, आपके कोई ब्रदर वगैरह है, उनका कोई सामान वगैरह मंगाना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस करना है, मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, कुछ भी सामान, किसी भी टाइप का जो सामान वगैरह होता है, अगर आपको कुछ भी ऑनलाइन परचेसिंग करना है, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा स्टेप स्टेप सब चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। किस तरह आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, किस तरह फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे आप अकाउंट बना के ऑर्डर परचेस कर सकते हो, कौन कौन से पेमेंट मेथड है, किस तरह से आप COD कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी किस तरह से कर सकते हो, तो पूरा सा आप कुछ स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको आना है गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर सर्च करना है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट जब आप सर्च करेंगे तो ऊपर फ्लिपकार्ट का एक एप्लीकेशन आ चुका है जिसको आपको अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर डाउनलोड करना है। तो एप्लीकेशन हमने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से मिलेगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले वो एप्लीकेशन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लैंग्वेज पूछेगा, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ऐप में दोस्तों यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो है आपका नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप आपका नंबर डालेंगे तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे अगर दोस्तों अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर पहले से फ्लिपकार्ट पे अगर आपने आप अकाउंट बनाया हुआ है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा पहले। तो मोबाइल नंबर पे आपको OTP आएगा, OTP डाल के आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट है तो मैं अकाउंट डाल के इसको लॉगिन कर लेता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने नंबर डाल दिया, नंबर डालने के बाद सेंड OTP क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जब OTP पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे वाले नंबर पे जो है ऑटोमेटिकली OTP जो है ऑथेंटिकेट आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि OTP जो है आ चुका है, देख सकते हो कि मैंने जो है लॉगिन कर लिया इसके अंदर। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हो, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और आपके मोबाइल नंबर पर OTP आता है तो वो आपको डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर बात करें एप्लीकेशन का इंटरफेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको फ़ोन लेना है, अगर आपको लैपटॉप लेना है, हेडसेट लेना है, कोई फिटनेस का कोई प्रोडक्ट लेना है, अगर कोई वुमेंस की कोई जो है वुमेंस टॉप, वुमेंस शॉर्ट्स वगैरह ऐसा कोई सामान वगैरह लेना है, कोई चेयर्स वगैरह लेना है, या कुछ भी हेडफोन वगैरह लेना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई सामान लेना है, ग्रोसरीज से रिलेटेड कोई सामान लेना है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेना है, तो यहाँ पे बहुत सारी जो है आपको जो है आइटम्स वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं ऊपर ही ऊपर दोस्तों, आपको पूरे ऊपर आपको जो है कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, मोबाइल, एक्सेसरीज, ब्यूटी ब्रांड्स, इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको सबसे पहले देखो यहाँ पे है ना, ऊपर ही ऊपर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सर्च करते हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सर्च करता हूँ लैपटॉप, तो यहाँ पे लैपटॉप देखे दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है अलाउ कर देना है, अलाउ करने के बाद इसको एक्सेस कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके बहुत सारे लैपटॉप्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आपको किस तरह का लैपटॉप पसंद है। यहाँ पे अगर बात करें मोबाइल की, अगर मान लीजिए अगर आपको मोबाइल लेना है फ्लिपकार्ट से, तो यहाँ पे क्लिक कर दें, आप सर्च कर लीजिए मोबाइल। तो मोबाइल जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन वगैरह मिल जाता है मोबाइल से रिलेटेड। इसी के अलावा अगर कुछ भी चीज़ जो भी आपको जैसे चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको शर्ट चाहिए, यहाँ पे आप शर्ट जो है सर्च कर सकते हैं, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, जिस भी टाइप में आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है वो आप चेक कर सकते हो। नीचे उनका प्राइस देख सकते हो, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले पे क्लिक किया, नीचे जो है प्राइस देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आपको प्राइस वगैरह आ जाती है, आपके इसके फोटोज़ वगैरह देख सकते हो शर्ट्स की कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। नीचे प्राइसिंग आ जाती है, साइज़ आ जाता है, यहाँ पे आपको साइज़ चार्ट के अंदर सेलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आप कोई भी सामान मंगवा सकते हो, जो भी सामान आपको ऑर्डर करना है। अगर मैं बात करता हूँ कोई जीन्स वगैरह की, तो यहाँ पे आप जीन्स वगैरह सर्च कर सकते हो,
यहाँ पे जो है आपको जीन्स वगैरह मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है सर्च वाला एक ये जो ब्रांड है ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये काफ़ी काम का ऑप्शन है। इस वाले ऑप्शन के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो है आप इजीली जो है सामान वगैरह मंगा सकते हो, यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट जो है इजीली सर्च कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी ज़्यादा काम का जो है ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बता दूँ, नीचे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं। इसके अलावा अप्लाइंसेस हैं, फ्लाइज मोबाइल्स है, ऑफर जोन्स है, तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अब मैं दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट परचेस करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल दोस्तों मेरे को जो है एक हेडफोन वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे मैंने हेडफोन सर्च कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे हेडफोन्स वगैरह आ जाते हैं। इनको मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ अपने हिसाब से जैसे मेरे को करना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर लूँ अगर मेरे वाले हेडफोन की, तो दोस्तों मेरे को हेडफोन चाहिए JBL का। ठीक है, तो हेडफोन मैं JBL सर्च कर लेता हूँ। अभी अभी मैंने सर्च किया, यहाँ पे आप देख सकते हो JBL का हेडफोन हो गया। और ये वाला जो हेडफोन है दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। तो अब ये वाला हेडफोन है, इसकी मैंने फ़ोटोज़ वगैरह देख ली फ्लिपकार्ट पे, ये सब देख लिया। अब नीचे आप देख सकते हो इसका जो है कलर भी आ चुका है, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है। तो ये वाले जो है दोस्तों, मैं ब्लू वाले कलर के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। तो नीचे इसकी वारंटी वगैरह आप देख सकते हो, 1 ईयर वारंटी। अब यहाँ पे सिंपली जो है मेरे को ऐड टू कार्ट कर देना है इस प्रोडक्ट को, या फिर बाय नाउ कर देना है। तो मैंने सबसे पहले ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद गो टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक करके अपन कार्ट वाले बटन पे आ चुके हैं। और नीचे इसका प्राइस देख सकते हो आप, 499 का जो है प्रोडक्ट है इसका। और 2 दिन की डिलीवरी है इसकी, 40 डेज़ का, 40 रुपये के अंदर। और 40 रुपये की जो है डिलीवरी चार्जेस इसमें लग जाता है, और संडे तक जो है प्रोडक्ट आ जाएगा। 40 रुपये का जो है यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीवरी चार्जेस हमें लगाया हुआ है। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर वाले बटन पे अपन क्लिक कर देते हैं। एक बार प्लेस ऑर्डर वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर मेरा एड्रेस इसने ले लिया ऑटोमेटिकली। अगर आपको कोई नया एड्रेस डालना है, तो यहाँ पे क्लिक टू ऐड न्यू एड्रेस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जो है आपको आपका नया वाला एड्रेस डालना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिल्ली में रहता है, गुड़गांव में रहता है, हरियाणा में रहता है, चंडीगढ़ में रहता है, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आप डाल लीजिए। आपका हाउस नंबर, रियल कॉलोनी, रियल सिटी, स्टेट, ये सब जो है ऑप्शन वगैरह हमें डाल के फिल आउट कर दीजिए। ठीक है, तो मेरा वाला ये एड्रेस है, तो ये मैंने ये वाला एड्रेस फिल आउट कर दिया। नीचे जो है इमेज देख सकते हो, प्राइसिंग देख सकते हो, 499 499 का प्रोडक्ट है, प्लस इस पर 40 रुपये जो है डिलीवरी चार्जेस लगता है। अब यहाँ पे मैंने कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दिया। इस तरह से आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और फ्लिपकार्ट में दोस्तों आपको बता देता हूँ, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको आप जो है COD कर सकते हो, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको आप क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। और बाकी सभी प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट ऑप्शन देता है कि आपको सभी प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट आप लेते हो उनका आप COD कर सकते हो। उन सभी प्रोडक्ट को आप जो है सभी प्रोडक्ट्स को आप कार्ड्स पेमेंट कर सकते हो। अगर मान लीजिए अगर आपके डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, तो ऑनलाइन आप परचेसिंग कर सकते हो सभी प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा सभी प्रोडक्ट्स की आप UPI पेमेंट्स भी कर सकते हो, लेकिन COD के ऑप्शन जो है फ्लिपकार्ट, अभी जैसा कि आप जानते हो कि कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, तो वो जो लोग हैं थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का एक मैसेजेस आ जाता है किन्हीं किन्हीं प्रोडक्ट में, लेकिन किन्हीं किन्हीं प्रोडक्ट में आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है नहीं बताता, तो वो फ्लिपकार्ट आगे से ही आपको ऑप्शन देता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि एड्रेस एरिया पे भी आप कहाँ पे रहते हो, तो उस हिसाब से किसी प्रोडक्ट में आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देता है, किसी में ऑप्शन जो है नहीं देता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने ये कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है गूगल पे आ गया, ये आ गया, ऑनलाइन पेमेंट आ गया। UPI के थ्रू भी आप कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शन पे अपन को क्लिक करते हैं। ठीक है, अभी बोला सेफ्टी अवॉइड कैश और कार्ड एट डिलीवरी, यूज एनी अदर मेथड ऑफ पे नाउ। तो यहाँ पे जो है अपन कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन जो है ट्राई करते हैं। तो ये क्लिक किया अपन ने, प्लेस ऑर्डर वाले बटन पे क्लिक किया। अभी बोलेगा कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे अपन ने डाल दिया 628 और कन्फर्म ऑर्डर वाले बटन पे अपन ने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग वगैरह होगा, ये सब होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर जो है अपना प्लेस हो चुका है। और ऑर्डर प्लेस जब अपना हुआ है, तो ये ऑर्डर की जो है आप डिटेल देख सकते हो, और किस नाम से प्रोडक्ट आएगा, कहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, मोबाइल नंबर क्या है, और कब तक डिलीवरी होगी, संडे तक का ये डिलीवरी इसका अपना बता रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी पूछेगा आर यू हैप्पी विद द फ्लिपकार्ट एक्सपीरियंस। तो अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा लगे तो आप इस पर यस पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप नो कर सकते हो। दोस्तों अपना ऑर्डर जो है प्लेस हो चुका है, मैं आपको बैक करके आपको दिखा देता हूँ। अब आपको दोबारा से जो है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करना है, और अब यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको जो है एक ऑप्शन दिखाई देगा 3 डॉट्स का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है एक आपको ऑप्शन दिखाई देता है, इस वाले ऑप्शन पे आपको आना है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एक बार क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको दिखाता हूँ, एक जो है ऑप्शन आपको दिखाई देगा माय ऑर्डर्स का, यहाँ पे
ठीक है। तो ये माई ऑर्डर वाले ऑप्शन जो है आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके जितने भी ऑर्डर्स आते हैं फ्लिपकार्ट पे, जितने भी ऑर्डर्स आपने किए हैं वो सारे के सारे ऑर्डर्स हमें दिखा देगा। हमें अभी फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट ले लेते हैं जो अपन ने परचेज अभी अभी ऑर्डर किया। तो यहाँ पे अपन ने आप देख सकते हो कि जो अपन ने जो है 499 का प्रोडक्ट था जिसमें 40 रुपये की डिलीवरी चार्ज लगी थी। तो ये वाला पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है दोस्तों, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट अपना यहाँ पे आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने पूरा का पूरा प्रोडक्ट आ चुका है। इसमें आप प्राइसिंग सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे प्राइस वगैरह आप चेक कर सकते हो कि इसमें कितनी प्राइस वगैरह लग रही थी, क्या लग रही थी। और इसके अंदर ये जो ऑर्डर है अपना आ चुका है। और इस तरह से जो है दोस्तों, अपन ने पूरा का पूरा एक फ्लिपकार्ट का एक अच्छा सा ऑर्डर जो है प्लेस कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से आप फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, अकाउंट बना सकते हो। और अकाउंट बना के जो है आप इजीली जो है अपना अकाउंट बनाने के बाद कि कोई भी प्रोडक्ट जो है परचेस कर सर्च करके परचेस कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अब पेमेंट डिलीवरी की अगर बात करें तो आपको सारे ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं। COD कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में आपको मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपके एरिया पे कि आप किस एरिया पे रहते हो। और वो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कौन सा है। अगर आप जैसे मान लीजिए, अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान वगैरह मंगाते हो जो कि ज़्यादा पैसों का है, जैसे मान लीजिए 500-600 रुपए का है या उससे ऊपर का है, तो उसमें मेरे हिसाब से आपको जो है सीडो के ऑप्शन वगैरह कभी कभी नहीं मिलते हैं। तो इस हिसाब से तो इस तरह से जो है दोस्तों, आप फ्लिपकार्ट से परचेसिंग वगैरह कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन के पूछ सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बोलते हैं।